भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से नवाजा है। अभिनंदन को यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बड़ी जांबाजी के साथ पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से मार गिराया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान की सीमा में कैप्टन अभिनंदन का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फिर पाकिस्तान ने तकरीबन 60 घंटे बाद भारत के दबाव में कैप्टन अभिनंदन को छोड़ दिया था, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि जब अभिनंदन को 60 घंटे के लिए पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त में रखा, उस दौरान क्या क्या हुआ। दरअसल पाकिस्तान के PMLN सांसद अयाज सादिक ने संसद में पिछले साल अक्टूबर में खुलासा किया था कि विदेश मंत्री SM कुरैशी ने PPP, PMLN और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा समेत संसदीय नेताओं के साथ एक बैठक में अभिनंदन को छोड़ने के लिए कहा था। उस वक्त विपक्ष ने अभिनंदन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ देने का वादा किया था। अयाज सादिक ने खुलासा करते हुए बताया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस अहम बैठक में चर्चा कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत पाकिस्तान पर रात 9 बजे तक हमला कर रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे बखूबी याद है कि कुरैशी उस बैठक में थे जिसमें PM इमरान खान ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। कुरैशी के पैर कांप रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को वापस जाने दो, क्योंकि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। साथ ही अयाज ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान हमला नहीं करने वाला था, सरकार को सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था, जो उन्होंने किया। दरअसल 26-27 फरवरी 2019 की रात को भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर स्ट्राइक किया, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भारत में हमले के लिए भेजे थे। इसके जवाब में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 विमान लेकर उड़ान भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। इस दौरान वो विमान का पीछा करते हुए सीमा पार चले गए थे, जहां उन्हें पकड़ लिया गया था। पूछताछ के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें चाय पीने को दी थी और इसका वीडियो शेयर करके दिखाने की कोशिश की गई थी कि अभिनंदन की किस तरह से खातिरदारी की जा रही है। भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को वापस सही सलामत भारत भेजने पर मजबूर कर दिया था। 1 मार्च को वो अटारी वाघा बॉर्डर से भारत वापस आए थे। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।